ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन भी प्रवर्तन निदेशालय ईडी छापेमारी जारी है। ईडी की ये छापेमारी मंगलवार की सुबह 5 बजे से शुरू हुआ था और बुधवार को भी जारी है। वीरेंद्र राम और आलोक रंजन फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। पूछताछ में ईडी के सामने वीरेंद्र राम ने कई बड़े व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों का भी खुलासा किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वीरेंद्र राम के पास से एक पेन ड्राइव मिला है जिसमें काफी डेटा रखा गया है। उस पेन ड्राइव में ठेकेदारों से पैसे लेने और कई नेताओं को पैसे पहुंचाने के सबूत हैं। वीरेंद्र राम के करीबी संबंधों के कारण आधा दर्जन से अधिक राजनेता ईडी की रडार पर आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक ईडी बीते कुछ माह से वीरेंद्र राम को अपने सर्विलांस पर रखे हुई थी। सर्विलांस के दौरान भी कई नेताओं तक पैसे पहुंचाने की जानकारी ईडी को मिली है। ईडी ने मंगलवार को ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के कुल 24 ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान वीरेंद्र राम द्वारा बनाई गई कंपनियों के अलावा 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला। छापामारी के दौरान 1.5 करोड़ रुपए के जेवरात और करीब 30 लाख रुपए नकद मिले हैं। ईडी ने जमशेदपुर निगरानी थाने में ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर के खिलाफ दर्ज घूसखोरी के एक मामले को जांच के लिए SIR के रूप में दर्ज किया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।